हिंदी सिनेमा जगत की दिलवाली मूवी में अभिनेता अजय देवगन के पीछे तलवार लेकर दौड़ने वाली खूंखार विलन के किरदार में नजर आए अभिनेता रामी रेड्डी की अदायगी सिर्फ इसी फिल्म में नहीं बल्कि बॉलीवुड की हर एक फिल्म में काफी भयंकर और खौफनाक रही थी, जिसे देखकर ऑडियंस थरथर कांपा करती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबको अपनी खूंखार अदायगी से डरा देने वाले दिग्गज कलाकार रामी रेड्डी की दर्दनाक और रहस्यमयी मौत कब और कैसे हुई थी? किस तरह से इन्होंने अपने खूंखार शख्सियत के साथ रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहा था? आज इसी राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अभिनेता रामी रेड्डी की रहस्यमयी मौत के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। पर इस सभी जानकारी से रूबरू होने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम में जन्मे रामी रेड्डी का रियल नाम गंगासानी रामी रेड्डी है। रामी ने आंध्र प्रदेश के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री ली थी। फिल्मों में आने से पहले रामी रेड्डी एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने सिर्फ मुंसिफ डेली नाम के न्यूज़पेपर में नौकरी भी की थी, लेकिन सिनेमा जगत में एंट्री करने के बाद तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। फिल्म वक्त हमारा है में ऐसे न जाने कितने हिट डायलॉग रामी रेड्डी ने बोले हैं, जो आज भी बहुत यादगार हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड के फेमस विलन रहे रामी रेड्डी साल 1990 में तेलुगु फिल्म अंकुशम में इनकी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। फिर कई तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद रामी को उसी साल पहली बॉलीवुड फिल्म प्रतिबंध में काम करने का मौका मिला था। फिल्म में उनका किरदार अन्ना काफी पॉपुलर हुआ था और इन्हें लोग साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी जानने लगे थे। इसके बाद इन्होंने करीब दर्जन भर हिंदी फिल्मों में काम किया। वहीं फिल्मों में अपने विलन के रोल से ऑडियंस को भी खौफ ज्यादा करने वाले रामी रेड्डी का जब निधन हुआ, तब इनकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी, क्योंकि साल 2000 के बाद रामी को लिवर की बीमारी ने घेर लिया था, जिसके चलते रामी ने बाहर आना जाना छोड़ दिया। कम लोगों से मिलते थे और ज्यादा वक्त घर पर ही बिताते थे। एक बार तो वो इवेंट में नजर आए थे, जहां उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। रामी की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लीवर के बाद किडनी की बीमारी ने भी घेर लिया था, जिसकी वजह से मौत से पहले वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे और कुछ वक्त तक ये ऐसे ही लीवर और किडनी की बीमारी से जूझते रहे हैं। फिर कुछ महीनों तक इलाज चलने के बाद 14 अप्रैल 2011 को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में रामी रेड्डी की मौत हो गई थी, जिसके चलते साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने दमदार खूंखार विलन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के खौफनाक विलन रामी रेड्डी के इस दर्दनाक मृत्यु के बारे में? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।